हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ वर्षा। आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ, टमाटर पुलाव। टमाटर राइस भी बोल सकते हैं आप इसे। ये बहुत बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह यूज़ नहीं किया है, जैसे स्पाइसी वगैरह। फ्लेवर के लिए यूज़ किया है मैंने कुछ खड़े मसाले। तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या लगता है। यहाँ पे मैंने एक कप चावल लिया है, उसको वॉश करके 10 मिनट पहले भी होके रखा था। अभी उसमें जो पानी था मैंने निकाल दिया है। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, 2 से 3 चम्मच तेल, पानी लगेगा, एक छोटा प्याज कट किया हुआ, एक छोटा टमाटर कट किया हुआ। यहाँ पे एक तेज पत्ता लिया है, 2 से 3 काजू, एक दालचीनी, 2 हरी इलायची, 2 यहाँ पे मैंने लवंग मीरा लिया है, दगड़ फूल लिया है, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा और राई, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के अंदर जो बीज रहते हैं मैंने निकाल दिए, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा तीखापन रहता है। तो ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा कम ही तीखा रहेगा। तो बनाते हैं पुलाव। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके एक कुकर रख दिया छोटा। मैं पुलाव कुकर में बनाने वाली हूँ, जल्दी बन जाएगा। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। आप तेल की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा और राई डाल देंगे और उसके साथ साथ तेज पत्ता, काजू, जो खड़े मसाले थे वो डाल देंगे। आधा मिनट भूनना है मसाले को। उसके बाद प्याज डाल देंगे, कड़ी पत्ता, मैंने मसाले यहाँ पे सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है। एक से दो मिनट प्याज को भूनना है, लाइट पिंक कलर का होता है तब तक। अभी इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्ची और हल्दी और धनिया पाउडर डाल दूंगी। इसे भी 1 मिनट होने देना है। अभी उसमें मैं चावल डाल दूंगी। इसे 1 मिनट भूनना है अच्छे से। तेल में पानी डालूंगी। मैंने 1 कप चावल लिया था तो 2 से 2.5 कप पानी डालने वाली हूँ मैं इसमें। मिक्स करूंगी एक बार। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, बच्चे तो बच्चों के लिए सॉफ्ट चाहिए चावल थोड़े। नमक डालेंगे, हरा धनिया मिक्स कर लेंगे एक बार। अभी कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 विजिल आने तक पुलाव को पकाएंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। विजिल हो चुकी है, अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और कुकर पूरा ठंडा होने के बाद हम टमाटो पुलाव निकालेंगे। कुकर ठंडा होने के बाद मैं उसे खोल रही हूँ। तो रेडी है टमाटो पुलाव। हम अच्छे इसे एक अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे। रेडी है टमाटर पुलाव। आप ज़रूर इसे बच्चों को खिलाइए। इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को, घर में भी खिला सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।